नमस्कार। अपनी बस्ती, अपने लोग की आज की कड़ी में समाज में फैले अंधविश्वासों की तरफ आपका ध्यान दिलाया गया है। अंधविश्वास निरक्षरता और दक्षिणों से विचारों के कारण ही पनपते हैं। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। क्या हम ये जानते हैं? अगर हाँ, तो ये हम सबका फर्ज है कि इस बुराई को दूर करने की कोशिश करें। अरे बोलना धन्नो, क्या बात है? पहले गंगा कहकर बुला। अरे ठीक है गंगा सही, अब तो बोल मेरी गंगा जमुना। हाँ गंगा। अरे गंगा ही सही, बोल क्यों बनाओ सिंगारा का फेंका क्या औरतों ही ले रखा है? अरे क्या बात हो गई, क्या जोकर लग रहा हूँ? अच्छा अच्छा जाने दे जाने दे, वैसे मैं जानती हूँ तू कहाँ जा रहा है। क्यों? अरे टोक गया घर से निकलने से पहले, कर देना बस सुगनी। अरे तो तू कहा सगुन सगुन मानता है? नहीं मानता तो नहीं, लेकिन फिर भी तू तो जानती है ना। अरे क्या फिर भी? अरे फिर भी वही फिर भी और क्या। आच्छी। आच्छी। अरे तू बैठा बैठा मिठाई करता रहेगा, ये सब्जी अब्जी लाएगा। अरे जाएगा ये नहीं, इतनी हूँ कब तक चलती रहेगी? अच्छा अच्छा, अरे ला पहले थैला तो दे दे। अरे तूने आँख खोल के देखा होता तो थैला तो तेरे पास पड़ा था। अच्छा अच्छा दादा, चपा चपा नहीं, तेरा भी भगवान ही मालिक है, हमेशा चिल्लाती रह रहे। अरे तेरे मुंह से तो बात निकलनी चाहिए, अरे एकदम पूरी अभी मछली लगी हुई है। अच्छा अच्छा जा। जाता हूँ जाता हूँ जा। आज जी आगे चाहिए सब्जी नहीं जा रहा। अरे भैया ये तो नकली चीख है, असली चीख भी हो तो ये बसुंगनी की कोई बात नहीं होती, सब बेकार है। जा जा। नकली थी ना एकदम नकली। जा जा जा। भैया तुम तो खा गए, अरे इसको तो बहाना चाहिए बहाना। तो जाना ही पड़ेगा। इस बार सब ठीक हो जाएगा बाबा जी। मंजी बाबा जी आपकी कृपा जो है हम पर, मेरी बेटी का ब्याह हो जाएगा। इस बार रिश्ता टूटने की कोई चिट्ठी नहीं आएगी। पिछली बार रिश्ते की बात चली थी, वो मांगा दहेज नहीं दे सके थे हम लोग, बस उन्होंने ये चिट्ठी डाली और रिश्ता तोड़ दिया। अगर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार तो आपकी कृपा है ना हम पर, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस बस 7 दिन की बात है। हाँ बाबा जी, आपने तो अपने ही हाथों से मेरे गहने हंडिया में डालकर यहाँ दबा दिए थे ना, मगर आपने कहा था ये सब किसी को बताना नहीं है, और मंत्र जाप का असर उल्टा भी तो हो सकता है। मगर बाबा जी आपकी लीला अपर अंपार है, आपकी लीला अपर अंपार है बाबा जी। चिट्ठी फिर चिट्ठी आई है, जरूर रिश्ता तोड़ने की चिट्ठी होगी। डाकिया बाबू मेरा इसे पढ़ दो। अरे पहले ही बहुत देर हो गई है, कल आगे पढ़ दूंगा। डाकिया बाबू थोड़ा पढ़ दो, थोड़ा समय नहीं है। डाकिया बाबू यही बता दो ये चिट्ठी कहाँ से आई है, यही बता दो, बरेली से आई है ना? हाँ हाँ पता तो है तुझे सब। नहीं 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 राम नहीं। पता नहीं इन काले काले अक्षरों में क्या लिखा है, जरूर कोई काली बात ही लिखी होगी। इधर उधर कोई दिखाई भी नहीं देता जिससे ये चिट्ठी पढ़वा लू। भगवान
जी भैया से जूता सुना जूता जी सब कैसा चल रहा है। अरे भैया भूत प्रेत का मामला लगता है। अचानक मम्मी को क्या हो गया, एकदम दिशा पकड़ने लगा, मुंह से भाग निकलने लगे। अरे तो पकड़ में नहीं आ रहा था, लगता है तो किसी भूत प्रेत का साया है। अरे लगता है क्या होता है, काफी तो दिख रहा है। हाँ बड़ा जबरदस्त भूत है भैया। अरे मैं तो बता रहा हूँ। हाँ अरे भूत सब कुछ चक्कर नहीं है। अरे चाची बेकार की बात छोड़ो, इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ। अरे डॉक्टर क्या कर लेगा भूत प्रेत के मामले में भला। अरे इसको घबरा मत, घबरा मत। अरे इसको घमंडी बाबा को दिखाने हैं। हाँ घमंडी बाबा, अरे भैया उनका नाम तो बहुत सुना है। अरे पहुँचे हुए चलो चलो गमंडी बाबा के पास ले चलो भैया। बोल घमंडी बाबा की जय। मुझे क्यों लाया यहाँ पर, बोलो तुम सब बोलते क्यों नहीं। अभी वापस ले चलते हैं। बोलो अम्मा अभी वापस ले चलते हैं। लेकिन अब तो मंगू की तबीयत बड़ी बेहतर। हाँ हाँ क्यों नहीं, घमंडी बाबा के सामने तो बड़े बड़े जिन भूत भाग जाते हैं। और नहीं तो क्या, बाबा के सामने तो बड़े से बड़े जिन थर थर कांपने लगते हैं। भूत प्रेत की चिड़िया का नाम है। हाँ वही तो, भूत प्रेत कैसे, भूत प्रेत दिमाग खराब हो गया है। जाने दो मुझे, जाने दो। चले जाना चले जाना, अभी जल्दी क्या है। जब आ ही गए हो तो कैसे जाने देंगे साधु राम है। नहीं सच कह रहे हैं बाबा, साधु राम ही है। हाँ साधु राम ही है। साधु राम कौन, साधु राम मेरा नाम मंगू है, मंगू। साधु राम ढालपुर वाला साधु राम। अरे कौन वो साधु राम जो 5 वर्ष पहले मारा गया था। हाँ जिसने 5 खून किए थे। अरे बाप रे, वही साधु राम। ये वही साधु राम। आप कैसे रो चिल्ला रहा है साधु राम, पहले नहीं सोचा था क्यों सवार हुआ था इस बेचारे मंगू पर है। बोल बोल छप। आ साधु राम आ, आ साधु राम आज तुझसे ही निपट ले। जय काली जय काली जय काली। अरे ओ धन्नो क्या भाग गई मैके। हाँ भाग गई हूँ। क्या बात है, आज तो बड़ी उखड़ी हुई है, क्या झगड़ा हो गया किसी से। अरे नहीं, उसी मंगू के बारे में सोच के दिमाग खराब हो रहा है। क्यों क्या हो गया मंगू को। अरे आज सुबह उसे दौरा पड़ गया, अब उसे डॉक्टर को दिखाना तो दूर है, ये बस्ती वाले ये सोच रहे हैं कि उससे कोई भूत प्रेत का साया चढ़ गया। अरे पागल हो गई है क्या। अरे मैं पागल नहीं हुई हूँ, पागल तो ये बस्ती वाले हो गए जो उसे घमंडी बाबा के पास ले गए। अरे वो घमंडी बाबा तो एक नंबर कट्ठा और ढोंगी है। और क्या, लेकिन ये तो उसे देवता समझते हैं ना। अरे पता नहीं इसने क्या जादू कर रखा है उस मोटी चाची पे,
ठीक है गंगा, मैं भी आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? अरे उसी के डेरे पर, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। अरे अरे देख ना मामा, तू झमेले में मत पड़, तू बहुत खतरनाक आदमी है। तू चिंता मत कर गंगा, मुझे जाने दे। अरे जाने दे, मुझे जाने दे। उसका भूत उतारते उतारते इसे ही भूत बना लगा। अगर इसे कुछ हो गया तो बस्ती वाले हमारा भी भूत बना देंगे। चौप हाँ, फटाफट अपना सामान लपेटो। ठीक है, हम मौका मिलते यहाँ से खिसक लेंगे। मैं जाकर बस्ती वालों को संभालता। ठीक है, ठीक है, जल्दी से उतारो घर जो भी कुछ है, जल्दी करो जल्दी। भाग गया साधु राम का भूत, भाग गया। अब वो कभी मंगू को नहीं सताएगा। धन्य हो बाबा, धन्य हो, धन्य हो घमंडी बाबा की जय, घमंडी बाबा की जय। बस इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं, साधु राम के भूत ने उसकी सारी जान खींच ली थी ना, इसलिए मंगू अभी बेहोश है। आप लोग आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कीजिए। हाँ, और जब तक मैं ना कहूं कोई भी आंख नहीं खोलेगा, नहीं तो पूजा का असर उल्टा हो जाएगा, इसमें साधु राम की जान भी जा सकती है। बस ऐसे ही प्रार्थना करते रहे। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी आंख ना खोले। हाँ ऐसे ही बस। तुम लोग क्या नाटक कर रहे हो? उधर भेज पड़े मंगलू की हालत बिगड़ रही है और तुम बाबा ढोंगी के चक्कर में। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे मंगलू को? क्या हुआ? कुछ नहीं मरती, बाबा सब ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे बाबा, ठीक कर देंगे। अरे बाबा अब यहाँ हो तभी तो। अरे बाबा किधर गए? बाबा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, अंदर कोई लीला कर रहे होंगे। वो लीला तुम्हारी अकल कर रही है, बाबा अपने चेलों के साथ कब का यहाँ से खराब हो चुका है, कोई नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मगर चाची ऐसा हो गया है, अगर उसका मंगलू का इलाज ठीक तरह ना हुआ तो कोई अनर्थ ना हो जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो बाबा जी को मेरे गहने दुगने करने हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? चाची अगर बाबा की तुम्हारे गहनों पे नजर पड़ गई है ना, तो समझो तुम्हारे गहने ठग लिए गए। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठग ली गई बिचारी चाची। अरे यार इसको बाहर लाओ, आओ इसको बाहर ला के तुम लिटाओ, मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। चलो मिलाओ डॉक्टर को। आइए पकड़ो जल्दी। अच्छा डॉक्टर ये डालो इस पर, काला काला लगता है इस पर, कि भूत प्रेत का साया आ गया। पकड़ो जल्दी। हाँ डॉक्टर साहब, घबराओ मत, होश में आ जाएगा। इसे फिर से दौरा पड़ा तो कम मर्ज तो समझ में आ गया। क्या
सीधा साधा मिर्गी का दौरा है। मिर्गी? हाँ, और तुम लोग इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाने की जगह उस ढोंगी के पास ले गए, और उस ढोंगी ने भी तो अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो भूत प्रेत पता नहीं तुम लोग कैसे विश्वास कर लेते इन सब बातों पर। अरे मेघी का रोज ला इलाज नहीं है, इसका सही तरह से इलाज करवाओ, और फिर किसी ढोंगी ढोंगी के चक्कर में मत पड़ना। होश में आ जाएगा थोड़ी देर तक, चलो रख चलो जी। अब क्यों रो रही है, अब तो सर पे आ हुआ संकट टल गया। हाँ हरिया भैया, तुमने बहुत अच्छा किया जो पुलिस ने रपट लिखा दी और उस ढोंगी बाबा को पुलिस ने टेंशन पे धर लिया। अच्छा ही तो हुआ है, अब पता चलेगा उसको उसके जेलों का भूत उतार रही है पुलिस। हाँ चाची, मैं तेरे कहने की रिपोर्ट कहा है पुलिस स्टेशन गया ना वहाँ, उस ढोंगी को पुलिस ने पहले धर रखा था किसी और चक्कर में। अच्छा? उसके गहने भी बरामद हो गए, चाची के भी सारे गहने मिल गए उसके पास। चाची और ये भी तो अच्छा हुआ की डॉक्टर भी समय पर आ गया। अरे इसकी हालत तो संभल ली गई, साथ में मरीज भी साफ हो गया। इन लोगों ने तो इसको ऐसे देखना शुरू कर दिया जैसे सचमुच भूत चढ़ गया। और क्या। अरे मोटी चाची, वो चिट्ठी पढ़वा लेना हरिया भैया से। अरे हाँ, ये सब ऐसा गड़बड़ हुआ मैं तो भूल ही गई। ले हरिया ये चिट्ठी पढ़ दे, बरेली वालों ने ना तो कर ही दिया। अरे चाची बिना पढ़े हल्ला, तू पढ़ के देख ले इसको। जा अरे अरे चाची मिठाई खिला। अरे मुबारक हो चाची। और चाची, जो पहले वाले लड़के वाले थे ना, उनसे ये लड़के वाले मुझे भले लगते हैं, वो लोभी थे, ये लोग लोभी नहीं है। इसमें लिखा है कि उस जोड़े में लड़की को ब्याह लेंगे जो वो पहनी है। हाँ, और चाची चाची एक बात और लिखी है इसमें कि बिल्ली चाहे रास्ता काटे या कोई पीछे से चीखे बारात वापिस नहीं जाएगी। अपनी बस्ती अपने लोग, अपनी गलियां अपने रस्ते, अपना चैन है अपने दुख सुख, अपना चैन है अपने दुख सुख, अपने समाधान अपने हैं समाधान।